अपना नेता अगर क्लीन स्वच्छ छवि का है तो अपने को वंशवाद नहीं लगता है, परिवारवाद नहीं लगता है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। हम पूछ रहे हैं, नेता अभी दूगो उतराल है चुनावी मैदान में, दोनों में कौन बढ़िया? दोनों नहीं बढ़िया। हम तो भाई मुकेश सहनी का देने वाले, मुकेश सहनी हमको विकास नहीं चाहिए, लालटेन चाहिए। ककरा 5 किलो मिले छे, हम अतबारहा के 35 किलो मिले छे, ओकरा पियरका कार्ड है या गरीबहा के ललका कार्ड, तो 5 किलो में एक पांच परिवार का एक महीना खा लेते 5 किलो। दाऊसरा बंद हो गया, लीची गाछी में लुजा करके पीता है, अब दारू बंद कहाँ हुआ? मिलता नहीं हो तो क्या, थानादार पकड़ता है वही थाना वाला बेचता है। मिलता नहीं हो तो क्या, थानादार पकड़ता है वही थाना वाला बेचता है। 500 एक ट्रक पर 500 कार्टून दारू पकड़ाता है, तो 150 कार्टून जैसे 100 होता है, 350 कार्टून कहाँ जाता है? तो बार बाबू खुद बेचते हैं, चौकदार जैसे हफ्ता पहुँचाता है, उस समय नीतीश कुमार कहाँ है? विधानसभा का क्षेत्र, चाचा कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मना किया है? ना मना नहीं किया, बोल तो रहे हैं तब अभी तो बोल दिए, चुनाव का गर्मी चढ़ रहा है, चुनाव चुनाव विधानसभा का उपचुनाव होना है। हाँ तो होना है तो क्या है? एगो आरजेडी अमर पासवान को टिकट दे दी है, अब बीजेपी बेबी कुमारी को टिकट दे दी है, क्या लगता है कौन बढ़िया नेता है? अच्छा ये पासवान, हम लोग तो अमर पासवान का सिखावा ना ही भाई, इनकरा के अपना बोल ले दो, सिखावा ना ही सिखा चाचा जी। हाँ बताइए चाचा, अमर पासवान, अमर पासवान सिखा अपना ना सिखावा अपना, हम लोग शुरू से सही में सही। बेबी कुमारी उसको तो हम लोग नाचता नहीं किए हैं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा अमर पासवान कहाँ है, आरजेडी में चले गए हैं इसलिए? जी ना बात ना, हम तो सूर्य से वो पजाऊंगा उसको जिताए थे। अच्छा पहले भी उसे उन्हीं के पिताजी को जिताए थे, जिताए थे, अब वो दिवंगत हो गए, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक जिताते रहेंगे उन्हीं को? हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक जिताते रहेंगे उन्हीं को? अब कौन ठीक है कितना दिन जीतेगा, जीते रहे अपना वोटवा जाते रहे, चांस मिलना चाहिए। हां चांस रोड का काम किए हैं उनका पिताजी, जो नया रोड बनाया अभी वही याद में हम लोग इसको बेटा का भी देना तय कर लिया है, वही याद में हाल ही अपना नेता अगर क्लीन स्वच्छ छवि का है तो अपने को वंशवाद नहीं लगता है, परिवारवाद नहीं लगता है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओ बैठब के अभी का कंक्लूजन देवे ला, सबसे बढ़िया अमर पासवान रहेंगे, सबसे बढ़िया अमर पासवान रहेंगे। आइए और भी लोग से जुड़े जी, भैया कहाँ भागत बतियाई तब ठीक बा, हम से पूछबे करब बतियाई अमर पासवान के देंगे। हम पूछ रहे हैं, नेता अभी दूगो उतराल है चुनावी मैदान में, दोनों में कौन बढ़िया? दोनों नहीं बढ़िया है, दोनों बढ़िया नहीं, नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? कहाँ उपाय है, उससे पहले भी 6 महीना रहा था, कहाँ कुछ किया था, अभी भी रहा है, कहाँ कुछ किया है, आगे भी करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, सब अपना अपना के लिए बनता है, वो भी अपना के लिए बनेगा। बड़ा गंभीर मसला है, क्या करिएगा, क्या कीजिएगा, वोटवा तो देना पड़ेगा ना, वोट गिराएंगे अपना मन से, जो नया आएगा जो न्यू रहेगा उसको देंगे वोट। अच्छा फिर आप वोट गिरेगा बस जी ना। कौन प्रत्याशी बेहतर है? आरजेडी हम लोग का है, आरजेडी यस बताइए, उजर गमछी आरजेडी यस। लालू जी कहे हैं कि हरियरका लेके चलिए, ना हरियरका समय पर लेके चलेंगे, समय आ गया है, समय आ गया है, कहो। हम तो भाई मुकेश सहनी का देने वाले, मुकेश सहनी का, हाँ वो तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारे हैं अभी तक, नहीं उतारेगा मुकेश सहनी के, हम लोग हर साल उसी मान लगे जिन्हें अमर पासवान के समर्थन दे दिए, तब उनकरे मिल जाएगा, मतलब जेकरे पहले में मुकेश सहनी ओकरे के वोट, बस बस सीधा। अरे बाप, ये है यहाँ का दृश्य, क्या बोलना चाह रहे हैं? हमको विकास नहीं चाहिए, लालटेन चाहिए, लालटेन चाहिए, एलईडी वाला की तेल वाला जी, लालटेन लालटेन चलेगा, चलेगा कहाँ है, अमर पासवान की वजह से, अमर पासवान की वजह से, ऊपर तेजस्वी की वजह से, तेजस्वी की वजह से। चाचा बिक्री भइल बा, बिक्री भइल बढ़िया? बिक्री कहाँ भेल है नानू? ना घर परिवार में के बा? हम दो आदमी है, दो आदमी रउआ आ मैया, दो आदमी अपने कमाई के बा, अपने खाए के, खाए के बा, बाल बच्चा सरकार से हथिन की ना, सब हमरा सके तो देकर निहाले कर दे, खाली वोट लेबे, खाली वोट लेबे आ जाता है। हाल बा यही है, सरकार तरफ से पब्लिक बहुत जी रहे हैं, मोर नहीं रहे हैं, जी रहे हैं, हाँ फिर वोट देने का बारी आ गया, तो पब्लिक के मार दीजिए तो वोट मिल जाएगा,
सरकार के मिलेगा वोट पब्लिक को मार के। हाँ, पब्लिक जिंदा रहेगा तो वोट मिलेगा, पब्लिक मर जाएगा तो वोट कैसे मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, वही समझिए। काहे नाराज बड़ू इतना? हाँ, नाराज बारू 2 महीना 3 महीना के डीलर खाता है, पहले पब्लू के ना मुँह तकता है तो कह गरी हम डीलर से जहाँ झगड़ा करे। शिकायत नहीं किए विधायक मुखिया जिला परिषद इन लोगों के पास? टोटल टोटल सब भी नहीं देखा कि जनता को, इसे 2 बीघा वाला के का 70 किलो 75 किलो मिलता है, और जिसको नहीं यहाँ स्वाधारी उसको माने 5 किलो 10 किलो 15 किलो के मिले 70 किलो, आ गरीब के मिले 5 किलो, जकरा घर में खर्ची ना या दूर जमीन ना तेकरा 5 किलो मिले छे, आ मतबरहा के 35 किलो मिले छे। ओकरा पियरका कार्ड है या गरीब है के ललका कार्ड है? हां तो 5 किलो में 5 परिवार का 1 महीना खा लेते 5 किलो में, खाली चाउर कोटा खाली 5 किलो खा लेते। एकर शिकायत मुसाफिर पासवान के जाके ना कइलू? हेलो जोन अब दिगंत हो गेल बने 5 किलो कोटा में 14 बेर में हम न गेल गया कहले न करा मुसाफिर पास में नजमा न बैठ जाल सिंदा अबै जाल जन का जे कई जाल ने देखे सर ऐसे ऐसे हालत होता है किसको मिलता है 5 किलो सर तो हम कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बस सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं किसका क्या होगा, है ना? हाँ, हम नहीं, हाँ, जनता का क्या मन है, मन टटोल रहे हैं। जनता का मन यही है नीतीश जी को सरकार अभी नहीं बनेगा। अच्छा। मतलब उनको वोट नहीं दिया जाएगा। अच्छा। इसलिए नहीं दिया जाएगा, हम लोग भूखे मरते हैं, दारू शराब बंद हो गया। हाँ। दारू चालू करवा दिया जाए? दारू चालू होगा तब नीतीश का सरकार होगा, नहीं तो उसका सरकार गिरा दिया जाएगा। तो कैसे गिराएंगे, अभी तो सरकार में नीतीश है ना, अभी देखे ना अमर पासवान को कहीं टिकट मिलेगा तो उसी का जीत होगा बोछा विधानसभा। मिल गया RJD से? हाँ, तो उसी को भी बोछा विधानसभा सीट मिलेगा, समझे? हम लोग को तनख्वाह नहीं बढ़ता है ना, गाड़ी ना, दूसरों को सुनी सुनी तो का होई ना, ना गाड़ी ना, गरीब गाड़ी चनी फुहर लागी, फुहर लागी तब ना नीतीश जी का ठीक लागी। अच्छा। 400 रुपया हम लोग को मिलता है। हाँ। उस सबको 20-20 हजार विधायक का बढ़ गया कि हम लोग को 400 में गुजर चलेगा? क्या करते हैं आप? दुकान करते हैं, दुकान में दारू शराब बिकता नहीं है, दारू शराब बिकता था 10 रुपया बिक्री होता था, हम लोग खाते थे। दारू शराब बंद हो गया, लीची गाछी में लोग जा करके पीता है, अब दारू बंद कहाँ हुआ, दारू बंद हुआ है? आप लोग घर बिक जाता है, बीबी संगे रोज लड़ाई होता है, नीतीश जी कहते हैं नहीं होता है। सुनिए, शुरू से आ रहा है, कल जो होता है वो होके ही रहेगा। अच्छा, दारूबंदी है? दारूबंदी कभी नहीं है, है? नहीं है, नीतीश जी का बाप बना दे बंद कर देगा दारू, अभी भी बंद हो रहा है, बंद है दारू, चालू है, चालू है तो चालू नहीं है तो क्या क्षेत्र में मिलता है? है मिलता है, मिलता नहीं हो तो क्या थानादार पकड़ता है, वही थाना वाला बेचता है। कौन बेचता है? हमको चाहिए, हमको चाहिए, कौन दिलवाएगा? ये बात है, बेचने वाला नाम बताएगा, गोली खाएगा? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि धीरे से फोन करके नाम बता दे, छत्ता लगाने नहीं ना आएंगे, कागजात पर सब कुछ करते हैं। तारी पर कोई ब्रेक है ना? तारी पर पीता है तो पकड़ के ले जाता 10,000 जुर्माना करता है। गरीब आदमी अगर तारी नहीं पिएगा, दिन भर कोदारी चलागा तो उसको क्या करेगा? हाँ। तारी एनर्जी देता है? बिल्कुल देता है। अच्छा। क्यों नहीं देता है? हाँ। तारी पीने पर 10,000 जुर्माना है। आओ तो तारी छोड़ा, पहले ही बताओ कि दरुया सच में मिलता है? कहाँ नहीं मिलता है, किसको पता नहीं है, किसको पता नहीं है जो कहाँ नहीं मिलता? नीतीश जी को पता है? नीतीश जी को क्या पता है, नोट चाहिए, नीतीश जी को नोट चाहिए, घूस चाहिए, सामान कहाँ नहीं मिलता है? तो दारूबंदी का कैसा नोट ले लेते रहे? क्या बताइए, इतना ट्रक पकड़ाता है, इतना जगह जगह पकड़ाता है, कहाँ से पकड़ाता है? तब नीतीश जी को पता नहीं है? 500 एक ट्रक पर 500 कार्टून दारू पकड़ाता है। अच्छा। तो 150 कार्टून जो है 100 होता है 350 कार्टून कहाँ जाता है? तो बड़ा बाबू खुद बेचते हैं, चौकदार जो है हफ्ता पहुँचाता है, उस समय नीतीश कुमार कहाँ है? बड़ा बाबू दारू बेचते हैं, चौकदार हफ्ता पहुंचाता है, चौकदार जैसे हफ्ता पहुंचाता है, हर चुआट वाला से लेकर के। हाँ, नीतीश जी दारू कहाँ बंद कर ले है? तब बोचा में तो कहाँ, रोड पर जो चलता है पैदल, उससे जैसे थाना प्रभारी पैसा वसूलता है, बलजोड़ी लेवे करता है, पैसा दो हमको, हाँ रंगदारी दो। सवाल विधानसभा में जाना चाहिए क्या, 400 रुपए से क्या बूढ़ा आदमी का गुजर बसर चलेगा?
जीतन राम मांझी बोले थे अगर हमारा सरकार बनेगा तो मैं 3000 पेंशन करूंगा। तेजस्वी जी बोले मैं 3000 पेंशन करूंगा, लेकिन नीतीश जी का सरकार बन गया 400 से 4 रुपया नहीं बढ़ा। इस पर सवाल होना चाहिए, बस इससे बेसी मैं क्या कहूंगा आपको। लेकिन बोथा विधानसभा सीट इस बार ललटेन छाप को ही जाएगा, ललटेन छाप को जाएगा। आइए ललटेन छाप को लेकर के हाँ अब अंजोरा में आगे नहीं जाओ, अब बोलिए, अब आप सुनिए हमारा। रोड पर से हट जाता नहीं, जितना पसखाना है पुरना मार्केट पर या न्यू मार्केट पर, हर पसखाना से चुवाट वाला भी बेचता है, तारी भी बेचता है। तो चुवाट वाला तारी वाला से भी चौकदार, जितना चौकदार है हफ्ता असूल करके खुद बड़ा बाबू के पहुंचाता है। एक हफ्ता अगर नहीं देता है 1000 रुपया हफ्ता लेता है, एक हफ्ता अगर ना देता है तो उसको जैसे बड़ा बाबू तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं, रात में छापामारी कर लेते हैं। किस जुर्म में? दो हफ्ता नहीं दिया उस जुर्म में। कौन सा कटही टेम्पल जो आप देख रहे हैं, तो कटही टेम्पल पर हम 2 टेम्पल जलावन ला लीची के कीन करके, अच्छा, मिल से, अच्छा, जो बोचहा चौक पर रुक करके डायरेक्ट जैसे थाना प्रभारी कहता है जी इसका खर्चा दो, क्या जलावन जलाने के लिए लाइएगा तो उसको जैसे बड़ा को खर्चा देना होगा? टेम्पल रोक दिया, हम कहते चलो थाना पर, तो जैसे भाग चला। हम आदमी को जब जुटाने लगे उसमें जैसे मुमताज भाई के भी हम फोन करना चाह रहे थे, जो आदमी को जुटा करके फोन करेंगे इनसे पूछा जाएगा, तो भाग चला। अच्छा, जब दरोगा भाग गया। हाँ, अच्छा, तो जब रोड पर पैदल चलने वाला से हफ्ता सुन रहा है बड़ा बाबू, तो हम लोगों का कहाँ छोड़ेगा, चाहे किसी आदमी को कला छोड़ेगा। वो प्रशासन का पूरे जो है से फ्री कर दिया, प्रशासन द्वारा जो है नीतीश जी पैसा मंगवा रहे हैं। दारू कहाँ बंद कैले हैं? बंदे नहीं है, कहाँ बंद कैले हैं? आप फोन कीजिए, फोन कीजिए, कार्टून के कार्टून घर बैठे आ जाएगा। किसको फोन करें? किसको? होम डिलीवरी वाला के। आम पब्लिक जब फोन करेगा आपको नाम बताएगा कि फलाना आदमी बेच रहा है, तुरंत लीजिए नंबर बताएंगे नहीं, धीरे से नंबर वो मिला दीजिए, हमको चाहिए सांझी का, बड़ी थक गए हैं। आपको नंबर कला दे देगा? हमको नहीं, आपको नंबर नहीं मिला सकता है कोई आदमी ना, आप प्रशासन है, आपको कैसे मिला देगा? आपको काम छान दो चीजें यहाँ पर भीड़ दिखाइए, पहले युवा से लेकर के बूढ़ बुजुर्ग सब हैं। दो चीज़ें, अगर आप दारू बेचने वाले का कोई भी नंबर बताएंगे तो हम कभी नहीं बताएंगे कि किसने बताया, पहली बात। दूसरी बात कि हम नीतीश जी को ले जाकर दिखाएंगे कि देखिए भैया आपके राज्य में दारूबंदी के बाद भी हम दारू मंगवा लेते हैं, इतना हमारा पावर है। जितना ट्रक पकड़ाया उसमें, सुनिए, जितना ट्रक पकड़ाया तो एक ट्रक पर माल लोडिंग कितना होता है सर, आप बता सकते हैं? उस पर हजारों कार्टून रहता है, अच्छा, कम से कम 500 कार्टून रहता है, अच्छा, तो 500 कार्टून रहता है तो 151 या 52 कार्टून जैसे शो करता है, अच्छा, 150 शो करेगा जी, 150 शो करेगा, 350 थाना प्रभारी खुद बेचते हैं दारू, बाहर थाना या होमगार्ड बेचे, सुनिए चाहे वो कहीं का प्रभारी हो, वो जो है पकड़ते हैं तो कुछ न कुछ, मतलब वर्दी वाला लोग दारू का दुकान खोल लिया है, खोल लिया है। यही बात है? हाँ, सही बात है, वही बात है, ये धड़ल्ले से कह रहे हैं कि नीतीश जी उन्हीं से पैसा मंगवाते हैं, लेते हैं एकदम, लेते हैं जो है पैसा, पैसा सुनते हैं तो फिर रखते हैं कहाँ, खाली बड़े बाबू रखते हैं उसमें, एकदम नीतीश बाबू तक है, एकदम नीतीश कुमार लेवे करते हैं, नीतीश बाबू हम लोग कहाँ कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। अच्छा, जी बाबू क्या उम्र के हो गए अभी? बाबू नीतीश जी हमारे उम्र जोड़ी पार्टी होगा, हाँ। हमारा भी उम्र 50-52 साल है, हाँ। जी महाराज तो देखने में बड़ा अपने आप को तंदुरुस्त रखे हैं, दारू वारू के सेवन नहीं करते हैं ना, मोच देखिए, ये देखिए कहाँ से आ गया, सूबे में देखिए, सूबे में शराब जब्ती में पटना पहले वो गिरफ्तारी में शहर तीसरे स्थान पर है, ये देखिए शराब बरामदगी में शीर्ष 5 जिले हम आपको बता रहे हैं। ये प्रभात खबर में 16/3/2022 का यह पेपर है और इस पर लिखा हुआ है, अब देखिए, सूबे में शराब जब्ती में पटना पहले व गिरफ्तारी में शहर तीसरे स्थान पर है। शराब बरामदगी में शीर्ष 5 जिले, किशनगंज यहां पर 45,038 लीटर शराब जब्त किया गया है। समस्तीपुर, ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड जो है पुलिस ने दिया है, आए आए कहो देखा, हाँ, और बाद बाकी आंकड़े बताएंगे। उतने धरल से भी कहाँ से रहा है, गार्ड है, वर्दी धारी है, वो कहाँ गए, हाँ। कैसे आया, कैसे आया बता दे,
समस्तीपुर से 24,537 लीटर शराब जब्त हुआ, पटना में 23,437 लीटर शराब जब्त हुआ, औरंगाबाद में 13,133 लीटर की शराब जब्ती हुई, गोपालगंज में 11,412 लीटर शराब की जब्ती हुई। गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष 5 जिले, पटना में 955 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मोतिहारी में 519 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुजफ्फरपुर में 518 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सारण में 490 लोगों को और भोजपुर में 410 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये वही भोजपुर क्षेत्र है जहां से होली के एक दिन पहले हमने पियकड़ों के साथ खड़ा होकर के खबर कवर किया था। सोचिए वहां का दृश्य क्या होगा और किस प्रकार के रिक्स लेकर के हमने वो खबर दिखाया था। हुआ क्या, पुलिस प्रशासन गई, होली के दो दिन बाद उनमें से दो लोगों को गिरफ्तार कर ली, जबकि पुलिस प्रशासन पर ही वो पियकड़ आरोप लगा रहे थे कि हमने इन्हीं से दारू खरीदा है, इन्हीं लोगों के देख रेख में दारू जहां बिकता था वहीं से हमने दारू खरीदा है। ये बात हकीकत है, कहां गए लोग? तो दारू बिकता है, दारू बिकता है, बिकता है, बिकता है, बिकता है, कन्फर्म बिकता है, ठीक है, हर एक जगह मिल रहा है दारू। नंबर वा कोई बताइए नहीं रहा है महाराज, नंबर गोली खाने के लिए बताइए। अरे हम थक गए हैं, नंबर गोली खाएगा थोड़ी, हम थक गए हैं, तनी हम भी रिचार्ज कर। सरकार है, पूंजीपति का, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अच्छा देखिए ना, हम थक गए हैं, कहाँ गए, कहाँ गए जो बोल रहे थे दरुया वाले, कोई नंबर नहीं देगा, हम जानते हैं। अल्लाह है ना, झगड़ा के लिए बने, अरे कहाँ झगड़ा किए हैं, कहाँ झगड़ा किए हैं, झगड़ा करते हैं, पानी पीने दीजिए, मछरा वाला है। अच्छा महाराज, हम कहने की चुआ लिए आप, दारू दारू बिकता है, का किए हैं, पिवाक आदमी से क्या बोलते हैं, बोले के कुछ बोल देगा, आम बोलता है, राशन वाला ही बोल ले बड़ी काकी। ये हालात है मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र का है, वो जहाँ से हम लगातार आपको पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का यह पर्दाफाश हुआ, समाज सुधार अभियान लेकर नीतीश कुमार लगभग जिलों में घूम रहे हैं, अब समाज को सुधारने निकले हैं शराबबंदी के सफलताओं के बाद। इतनी अपार सफलता शायद ही किसी योजना को क्रियान्वित करने में सरकार ने इतना ज़्यादा भूमिका बांधने के बाद किया होगा, और इतनी सफल योजना बनाई होगी, इतने सफलता से लागू किया होगा, और उसका आप सफल वर्ष भी मनाने को तैयार रहिए, क्योंकि नीतीश बाबू कब क्या करेंगे ये उनको भी नहीं पता होता है। मन में आया तो शराबबंदी, और अब तक हठ धर्म पर अड़े हुए हैं, शराबबंदी का जीता जागता उदाहरण है। और शराब से देखिए एक और है, एक ही नहीं है, अब देखिए रहे हैं तो, जहरीली शराब कांड का आरोपी धराया, पुलिस पकड़ ली है, अब 30 मरखां को पकड़ कर लाई है पुलिस। भाई क्या करें, किसका पेपर है, ले जाइए, इतनी जोरदार शराबबंदी है सर, शराबबंदी है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम, कहाँ रहते हैं, चल रहा है, कैसे कहाँ रहते हैं, शराबबंदी नहीं है, नहीं नहीं है, तो दारू तो बिक रहा है ना, बोले कि बिक रहा है, राही बात सुनते हैं, घर घर बिक रहा है, हमको खरीदवा दीजिएगा, हमको खरीदवा दीजिएगा, हम ना पीते हैं इसके बारे में जानते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं हम चैलेंज करते रह गए कि हमको दारू खरीदवा दीजिए, लेकिन एक बात है कि माफियाओं के डर से तो भैया हमारी भी डरती है, तो ऐसे में कौन उससे मुखालफत झेलेगा। और आरोप तो अब नीतीश कुमार के ऊपर भी लग रहा है कि प्रशासन के जरिए पैसा ऐंठ रहे हैं नीतीश कुमार, आम जनता का खून चूस रहे हैं, ब्लैक में दारू माफिया काम कर रहा है, और उसी के जरिए थाना से हफ्ता क्या कर रहे हैं, हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, पुलिस वाले से कौन लेता है, नीतीश कुमार लेते हैं, नीतीश कुमार तक का ये साठगांठ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, ट्रक आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए, हम अगली बार पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे, बताएंगे कि चुनावी परिदृश्य क्या है, लोग किसके समर्थन में ज़्यादा हैं, RJD BJP या VIP भी कोई कैंडिडेट देगी तो उसके समर्थन में जाएंगे, BJP या VIP, अभी मुकेश सहनी अपना पता खोलना बाकी है, देखना है क्या कर पाते हैं। इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप हमारे ही साथ बने रहें, बोचहां से हर एक गाँव से जा करके हम आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। नमस्कार।